फ्रेंड्स, आज आप लोगों को मैं एक ट्रिक आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क या फिर इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम हो रहा है या फिर आपके मोबाइल में कोई कॉल नहीं आ रहा है या फिर आपके मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कॉल नहीं जा रहा है, तो आप कैसे वो प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे। तो वो ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन का तरीका मैं आप लोगों को आज बताऊँगा, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहे। और इस चैनल में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक करें। तो वो ट्रिक क्या है वो बताने से पहले एक छोटा सा इंट्रो हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ वो प्रॉब्लम मेरे साथ 3-4 दिन पहले हो गया था। वो है कि मेरे मोबाइल से मैं दूसरे मोबाइल में मैं अचानक से कॉल कर रहा था, तो उस टाइम मेरे मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कॉल नहीं जा रहा था और दूसरे मोबाइल से भी मेरे मोबाइल में कॉल नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मेरे मोबाइल में कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम है, फिर मेरे मोबाइल 3-4 दिन हो गया है कोई रिस्टार्ट वगैरह नहीं किया था तो इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा था। तो मैंने मैनुअली से मेरे मोबाइल का जो रिस्टार्ट का ऑप्शन है मैं रिस्टार्ट में क्लिक करके मेरे मोबाइल को रिस्टार्ट कर लिया था। तो उसके बाद मैं फिर से मेरे मोबाइल से दूसरे मोबाइल में मैं कॉल कर रहा था लेकिन वो कॉल नहीं जा रहा था, ऑटोमेटिकली से वो कॉल कट हो जा रहा था और दूसरे मोबाइल से भी मेरे मोबाइल में कॉल नहीं आ रहा था। और मेरे मोबाइल में जो इंटरनेट है वो भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था, व्हाट्सएप से भी कोई मैसेजेस सेंड नहीं हो रहा था। तो उस टाइम मैंने सोचा कि क्या प्रॉब्लम है, किसे मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं मेरे मोबाइल पर करूँ। तो उस टाइम मैंने क्या किया, मेरा जो सेटिंग का ऑप्शन है उस सेटिंग का ऑप्शन में जाके मैं कनेक्शन पे चला गया। और कनेक्शन में चले जाने के बाद जो सिम कार्ड मैनेजर ये ऑप्शन है, इस सिम कार्ड मैनेजर में चला गया मैंने। और सिम कार्ड मैनेजर में जाने के बाद ये ऊपर जो सिम वन जियो यही ज़्यादातर यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इस सिम वन को मैंने पहले ऑफ़ किया और कुछ टाइम के बाद मैं फिर से इसको ऑन किया। तो ऑन करने के बाद मैंने इस मोबाइल डाटा को ये सेटिंग वगैरह को ठीक किया, क्योंकि जब भी आप सिम वन ऑफ़ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली से ये इंटरनेट डाटा जो है वो सिम टू में रिडायरेक्ट हो जाता है। तो मैंने क्या किया, सिम टू से फिर मैं वापस सिम वन में मैं चेंज किया और टेक्स्ट मैसेज पे भी सिम वन किया और कॉल को मैंने आस्क ऑलवेज पे ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दिया। ये सब कुछ कर लेने के बाद मैं फिर से बैक किया और बैक करने के बाद मैं कॉल ऑप्शन में जाने के बाद और जो मेरे मोबाइल से दूसरे मोबाइल में एक कॉल किया और वो कॉल और ऑटोमेटिकली से कॉल कनेक्ट हो गया था। और दोबारा मैंने फिर दूसरे मोबाइल से मेरे मोबाइल पे भी कॉल करने की कोशिश किया, वो कॉल भी मेरे मोबाइल पे आ गया था और इंटरनेट जो काम करना बंद किया था वो भी काम ठीक से कर रहा था। तो ये प्रॉब्लम मेरे मोबाइल में हुआ है सैमसंग गैलेक्सी J6, आपके मोबाइल में भी हो सकता है अगर आपका दूसरा मॉडल है। तो ये प्रॉब्लम नेटवर्क का प्रॉब्लम सभी मोबाइल में हो सकता है। तो अगर आप ये तरीका आप अपनाओगे तो ये दो तुरंत ही आपके मोबाइल का जो नेटवर्क है वो नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप ठीक कर सकते हो और आपके मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे कॉल ठीक तुरंत ही आप कॉल लगा सकते हो, आपके मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे कॉल जाएगी और दूसरे मोबाइल से भी आपके मोबाइल में कॉल आएगी। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ 3-4 दिन पहले हो गया था। तो उसके बाद मेरे मोबाइल में ये प्रॉब्लम कल भी हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये जानकारी आप लोगों को भी दे दिया जाए। अगर आपके मोबाइल में भी ये प्रॉब्लम कर रहेगी इन फ्यूचर तो आप कैसे वो प्रॉब्लम से आप छुटकारा पाओगे। और एक चीज़, अगर आपके मोबाइल में किसी भी टाइम आपके मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर का अपडेट भी आ गया या फिर इन फ्यूचर आएगी तो आप उस अपडेट को मैनुअली से आप अपडेट करवा ले, क्योंकि अगर आपके मोबाइल में वो अपडेट नहीं करवाओ तो आपके मोबाइल में भी और भी आपको प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत पड़ सकता है। और आपका जो मोबाइल में जो गूगल और गूगल क्रोम का जो ऐप है उस ऐप को आप प्ले स्टोर में जाके 3 डॉट में क्लिक करके आप आपके माई ऐप्स एंड गेम्स पे क्लिक करने के बाद इसमें आप सर्च करोगे। अगर आपके मोबाइल में जो गूगल और क्रोम का जो ऐप है वो अगर अपडेट कोई आएगी तो आप इसमें साइट में जो अपडेट ऑप्शन है उसमें क्लिक करके आप वो अपडेट करवा लें, क्योंकि वो अपडेट आप करवा के नहीं रहोगे तो आपके मोबाइल में गूगल का जो फीचर है वो भी ठीक तरीके से काम नहीं करेगी। तो ये था आज का वीडियो आपको जानकारी देने के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम आपको ये नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम आपको कर रहा है तो ये प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नया कोई ट्रिक टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।